हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो रहेगा हमारे पास के मैप भी। तो के मैप क्या है? के मैप बताता है, के मैप का जो यूज़ करते हैं हम मोस्टली वो करते हैं किसी भी एक्सप्रेशन को मिनिमाइज फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन देने के लिए। ठीक है, कोई भी हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है यहाँ पे, उसका मिनिमाइज फॉर्म में जब भी आपको चेंज करना हो, मिनिमाइज फॉर्म जब भी निकालनी हो, तो वहाँ पे हम के मैप का इस्तेमाल करते हैं भाई। ठीक है, तो देखो के मैप जब भी आप बनाते हैं के मैप, तो सबसे पहले ध्यान रखना, क्वेश्चन से समझ लेते हैं के मैप को, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो के मैप को जब भी बनाते हैं तो देखना कि 2^n की फॉर्म में नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास होंगे। तो 2^1 या तो 2, या फिर 2^2 4, या फिर 8, इस तरह से आपके पास सबसे पहले पेयर बनाने की कोशिश करना। जो भी आपके पास मैप बनेगा उस तरह, उसमें इस तरह के पेयर्स आप यहाँ पे बनाएंगे भाई। ठीक है, जैसे यहाँ पे 4 डिजिट है हमारे पास, जितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ये मैप बनाएंगे और उसका मिनिमाइज एक्सप्रेशन निकालेंगे। जैसे अगर हमारे पास सिर्फ फंक्शन है ए और बी, दो ही टर्म है, ठीक है, यहाँ एक सिंपल सा समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, यहाँ पे अगर दो ही टर्म है तो उसका के मैप बन जाएगा हमारे पास ये हो गया पहली टर्म, ये हो गया दूसरी टर्म। ए और बी दो टर्म जो होंगी उसकी जो वो टेबल बनेगी वो क्या बनेगी? 0 0, ठीक है, और ये हो गया 0 0, नहीं दो डिजिट थोड़े ना आएंगे, एक आएगा। तो यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास? ए और बी, ठीक है, या तो ए 0 होगा या 1 होगा, या बी 0 होगा या 1 होगा। ठीक है, तो 0 0 के कॉरस्पॉन्डिंग जो टर्म आएगी वो यहाँ पे आ जाएगी, 0 1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो टर्म आएगी वो यहाँ पे आ जाएगी, 1 0 के कॉरस्पॉन्डिंग जो टर्म आएगी वो यहाँ पे आ जाएगी, और 1 1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो टर्म आएगी वो यहाँ पे आ जाएगी। तो ये मैप, के मैप तो बन गया किससे? 1/1, अगर दो ही डिजिट्स हैं ए और बी। ठीक है, अगर हमारे पास ए बी ना हो करके एक सी और है, 3 है, कितने हो जाएंगे? अगर दो थे तो मैंने बताया था कि नंबर ऑफ जो यहाँ पे कॉलम बनेंगे वो क्या हो गए? 2^n। तो 1 और 2 दो ही डिजिट थे, तो 2^2 कितने वो बनेंगे हमारे पास? ये स्क्वायर 4, तो 1 2 3 4। अगर दो डिजिट की जगह हमारे पास अब 3 डिजिट हो जाए, मान लो ठीक है, उसके बाद मेरे पास है अब ए बी और सी, 3 डिजिट हैं, तो उसका के मैप बनाने के लिए ध्यान रखना, इसको नोट कर लो, एक तो इधर ले लेंगे और बी और सी मान लिया मैंने इधर ले लिया। ठीक है, तो ये हो जाएंगे बी और सी, तो 2^3 कितना हो जाएंगे? 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्क्वायर बन गए। यहाँ पे ए क्या होगा? या तो 0 होगा या 1 होगा, इन दोनों में से होगा। ठीक है, बी क्या हो जाएगा? या तो 0 0 होगा, या 0 1 होगा, या फिर 1 1 होगा, या फिर 1 0 होगा। ये ध्यान रखना, 1 0 को आगे लेना है और 1 1 उससे पीछे वाले में रखना है। जब भी आपको मिनिमाइज फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये होगा। जब आप ट्रूथ टेबल बनाते हैं, जैसे ये ट्रूथ टेबल बनेगी ए बी सी, तो क्या बनेगा? 0 0 0, इसका आउटपुट क्या हो जाएगा? 0 0 की बाइनरी है ना ये, 0 0 1, ये किसकी बाइनरी है? 1 की। फिर 0 1 0, ये किसकी बाइनरी है? 2 की। तो इस तरह से 0 की बाइनरी यहाँ लिखी जाएगी, 1 की बाइनरी यहाँ लिखी जाएगी, 2 की बाइनरी इसके बाद फिर यहाँ लिखी जाएगी, 3 की जो बाइनरी होगी वो यहाँ पे लिखेंगे, फिर इसके बाद 4 की बाइनरी यहाँ पे, 5 की बाइनरी यहाँ पे, 6 की बाइनरी यहाँ पे, और 7 की बाइनरी यहाँ पे लिखेंगे भाई। ठीक है, इसको नोट कर लेना, नोट डाउन कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एक और डिजिट बढ़ जाए, मान लो ए बी सी ना होकर के डी और आ गया हमारे पास। ठीक है, अब डी और आ गया तो क्या करेंगे? 4 डिजिट हो गए, ठीक है, तो 4 डिजिट के लिए ट्रूथ टेबल में कितने नंबर ऑफ ये स्क्वायर होंगे? 2^4 कितने होंगे भाई? 16 स्क्वायर बनेंगे। तो यहाँ पे देख लो, हमारे पास जो टेबल बनी हुई है इसमें 16 स्क्वायर बनेंगे। ठीक है,
तो जीरो की बाइनरी का जो नंबर होगा वो यहाँ लिखा जाएगा, वन का यहाँ, फिर टू का यहाँ, थ्री का पीछे चला गया, ठीक है। टू का पहले लिखेंगे आगे, फिर थ्री का पीछे वापस आ गए, फोर फाइव सिक्स आगे, सेवन नीचे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो इस लाइन को छोड़ के आगे चलेंगे, एट नाइन टेन इलेवन सॉरी ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन और फिफ्टीन, ठीक है। तो इस तरह से सभी की बाइनरी यहाँ पे लिखेंगे। तो इसको एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं और इससे समझते हैं। देखो क्या हो जाएगा, मिनिमाइज द गिवन एक्सप्रेशन, गिवन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करना है। ए बार बी सी डी क्या था, ए बार बी सी डी, ए बार बी बार सी डी, ए बार बी सी बार डी, ए बार बी सी बार डी बार, ए बी बार सी बार डी, ए बी सी बार डी, ये बार नहीं है, ठीक है। उसके बाद है ए बी सी डी बार और ए बी सी डी, तो ये आपका मिनिमाइज फॉर्म में इसको रिप्रेजेंटेशन हमें देना है। तो पहले चेक कर लेते हैं ये किस किस की बाइनरी है, ठीक है। तो ये किस किस की बाइनरी है भाई, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ ट्रम है हमारे पास, ठीक है। तो आठ ट्रम में देख लेते हैं क्या क्या कौन कौन सी ट्रम्स हैं। ए बार बी सी डी, ए बार बी सी डी, ये किसकी बाइनरी है, सेवन की, ठीक है। वन जीरो जीरो जीरो, वन जीरो 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 किस किस बाइनरी हो जाएगी, सेवन की बाइनरी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये क्या हो जाएगा, जीरो जीरो वन वन, ये किसकी बाइनरी हो जाएगी, थ्री की बाइनरी हो जाएगी। नेक्स्ट है ए बार बी सी बार डी, ये फाइव की बाइनरी होगी। ए बार बी सी बार डी, ये फोर की बाइनरी होगी। तो इस तरह से हमारे पास ये फिफ्टीन की होगी, ये फोर्टीन की होगी, ये थर्टीन की और ये नाइन की। तो ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन है उन सभी एक्सप्रेशन के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी बाइनरी एक्सप्रेशन है हमारे पास वो बाइनरी एक्सप्रेशन हमने यहाँ पर चेक कर लिया है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, देखो जिस भी बाइनरी के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास टर्म गिवन है सिर्फ उसी बाइनरी के कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ले लेंगे, वन लिखेंगे बाकी सभी जीरो हो जाएंगे, सिर्फ उसी बाइनरी के कॉरस्पॉन्डिंग वन लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो थ्री, तो थ्री के कॉरस्पॉन्डिंग हमने वन लिख दिया, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखता हूँ मैं, दूसरा है फाइव फोर सेवन, तो फाइव के कॉरस्पॉन्डिंग वन लिख दिया, फोर के कॉरस्पॉन्डिंग वन लिख दिया, सेवन के कॉरस्पॉन्डिंग वन लिख दिया, ठीक है। नाइन, तो नाइन कहाँ पे है, ये रहा नीचे, तो नाइन के कॉरस्पॉन्डिंग वन लिख दिया। थर्टीन फोर्टीन और फिफ्टीन, तो थर्टीन फोर्टीन और फिफ्टीन सभी के कॉरस्पॉन्डिंग वन लिख दिया हमने। अब इसके पेयर्स बनाने हैं, ये तो हमने लिख दिए, बाकी जो बच गए उसको नहीं लिखेंगे। अब हमने पेयर बनाने हैं, जब भी आप लॉजिकल एक्सप्रेशन लेते हैं तो उसको मिनिमाइज फॉर्म में बनाते हैं, तो उसका क्या करेंगे, सबसे पहले आप पेयर बनाएंगे भाई। तो पेयर बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा पेयर कितने का बन रहा है टू रेज टू पावर एन की फॉर्म में वो देखेंगे। तो टू रेज टू पावर एन की फॉर्म मतलब दो, टू रेज टू पावर वन टू, टू रेज टू पावर टू फोर, फोर एट। तो इनमें से वन 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 का पेयर बनाना है कंटिन्यूसली, या तो दो का पेयर बने या चार का या आठ का। सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे बड़ा पेयर कितने का बन रहा है। तो यहाँ पे इस अगर हम लॉजिक बाइनरी जो एक्सप्रेटेबल है इसमें चार का पेयर बन रहा है ये, ठीक है। तो सबसे बड़ा पेयर यही है, इससे बड़ा कोई पेयर नहीं बन रहा है, तो हमने ये चार का पेयर बना दिया। उसके बाद बन रहा है आठ का या चार का, कोई दूसरा और पेयर नहीं बन रहा है। अब हमारे पास वन बच गए, ये 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 और ये, सभी पेयर्स जो सभी वन है ना, जितने भी वन यूज़ हो रहे हैं वो सारे के सारे हमें पेयर्स में लेने ही लेने हैं। तो पेयर बनाओ, अब दो का बनाते हैं, तो इस वन के साथ दो का पेयर क्या बनेगा, ये वाला वन बना देगा। इस वन के साथ दो का पेयर ये वाला वन बना देगा, इसके साथ ये वाला और इसके साथ ये वाला। अगर हम ये चार का पेयर भी बनाते हैं और ये दो वाला भी पेयर बनाते हैं, तो ये वाला जो वन है अंदर वाले, ये दो बार यूज हो गई, ठीक है ना। एक ही ट्रम है, एक ही वन है, सिंगल ट्रम है, और उस ट्रम को हमने दो बार यूज कर लिया। तो दो बार यूज कर लिया तो मतलब एक्सप्रेशन मिनिमाइज कहाँ हो गया, वो तो दो बार आ जाएगा। तो हम उस दो बार जो एक्सप्रेशन ना आए उसके लिए क्या करेंगे, ये जो बीच वाला पेयर हमने बनाया था पहले, उस वाले पेयर को ना लेकर के सिर्फ ये वाले पेयर्स हम बनाते हैं अभी। ये वाला पेयर बना दिया, ये वाला बना दिया, ये वाला बना दिया,
ठीक है, चार का पेयर बनाते हैं तो हमारे पास ये बाहर वाले वन बच जाते हैं, फिर दो का पेयर बनाते हैं तो अंदर वाले वन दो बार यूज़ हो रहे हैं। उसके लिए हमने क्या किया, वो चार का पेयर ना बना करके सिर्फ बाहर वाले छोटे पेयर बना दिए। अब क्या हो गया, अब कम से कम कोशिश हमें ये हमने क्यों किया, क्योंकि जब भी मिनिमाइज एक्सप्रेशन की बात करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो नंबर ऑफ पेयर्स हैं वो क्या रहे, कम से कम पेयर्स में हमारा काम चल जाए, तभी तो मिनिमाइज होगा। अगर एक भी पेयर ज़्यादा बन गया तो एक एक्सप्रेशन ज़्यादा आ जाएगा जो हम जिसके बिना भी काम चल सकता है। तो हमने अगर चार वाला नहीं बनाया तभी भी सारे के सारे वन पेयर्स में यूज हो गए हैं, तो चार का ना बना करके हमने दो दो के पेयर यहाँ पे बना लिए भाई, ठीक है। अब देखते हैं, अब इसको मिनिमाइज एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखना है तो लिखेंगे कैसे, पेयर्स के अकॉर्डिंग, पेयर्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। पहले ये वाला पेयर देख लो, तो जहाँ से जहाँ चलेंगे वहाँ पे अगर डिजिट जो चेंज हो रहा है उसको नहीं लिखेंगे, जो सेम रहेगा उसको लिखते चले जाएंगे। देखो फॉर एग्जांपल, यहाँ इस वाले पेयर की बात करें हम, तो इस वाले पेयर में जब हम चलेंगे तो ए और बी तो जीरो और वन ही रहेगा, ठीक है, ए और बी जीरो और वन रहेगा, तो मैंने लिख दिया ए बार बी, ए जीरो बी वन, तो ए बार बी। यहाँ से यहाँ गए तो सी तो जीरो का जीरो रहा, डी जीरो से वन हो गया, तो जो चेंज हो गया उसको नहीं लेंगे, सी जीरो था बाद में भी जीरो रहा तो सी को लिख दिया हमने, जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा, सी बार। तो ये वाला जो पेयर था हमारे पास, इस पेयर का बन गया ये क्या, ए बार बी सी बार प्लस, प्लस में लिख दिया। अब दूसरा पेयर ले लो, दूसरा पेयर ले लो कोई भी, मान लो इन्होंने ले लिया ए बार सी वाला ले रखा है, तो ए बार सी वाला कौन सा हो जाएगा, ये वाला पेयर कोई भी ले लेते हैं, चलो ठीक है ये वाला पेयर ले लेते हैं, या ये ले लिया इन्होंने, ये ले लेते हैं। तो इस वाले पेयर को जब लेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, इस वाले पेयर को जब लेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ से यहाँ आएंगे तो ये वाली चीज़ तो सेम रहेगी, सी डी, ठीक है, सी डी हमने लिख दिया ऐसा का ऐसा। अब यहाँ से जब यहाँ आएंगे तो देखो वन का वन ही रहा, वन जीरो में चेंज हो गया, तो ये पहले वाला वन ए के लिए है और दूसरे वाला वन था वो बी के लिए है, तो वन ए वैसा का वैसा रहा, बी चेंज हो गया, तो ए का हो गया वन और बी हो गया चेंज, तो इस वाले के कॉरस्पॉन्डिंग रहेगा ए सी बार डी, ए सी बार डी। तो ये वाला एक्सप्रेशन हो गया किसके लिए, इस वाले के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं, इस वाले को ले लेते हैं, इस वाले को जब लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ए बी तो एज इट इज रहेगा, तो ए बी तो एज इट इज रहेगा। अब यहाँ से यहाँ जाते हैं तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये तो वन ही रहेगा, ये जीरो हो गया, तो जीरो जो चेंज हो गया उसको नहीं लेंगे, वन किसके कॉरस्पॉन्डिंग रहेगा, सी के कॉरस्पॉन्डिंग, तो ए बी सी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या बन गया, ए बी सी। अब एक टर्म बच गई हमारे पास, कौन सी, ये वाली टर्म बच गई, और ऊपर हमारे पास कौन सा एक्सप्रेशन बच गया, ये वाला। इस वाले एक्सप्रेशन के कॉरस्पॉन्डिंग ले लो, तो सी और डी तो एज इट इज रहेंगे, तो सी और डी एज इट इज रहा। यहाँ से जब यहाँ जाएंगे तो देखो ए जीरो है, जीरो ही रहा, बी जीरो से वन बन गया, तो बी को नहीं लेंगे, ए रहेगा ए बार, तो ए बार सी डी। तो मिनिमाइज एक्सप्रेशन जो रहेगा हमारे पास ये गिवन का, ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, सॉरी ये वाला जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, इस वाले एक्सप्रेशन के कॉरस्पॉन्डिंग जो मिनिमाइज एक्सप्रेशन रहेगा हमारे पास वो क्या बन गया, ये वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा, ठीक है। तो ये यूज़ है इसका भाई, किसका, के मैप का, के मैप का यूज़ करते हैं हम किसी भी बड़ा एक्सप्रेशन, अगर कोई बड़ा एक्सप्रेशन हमें दे रखा है उस बड़ा एक्सप्रेशन को बोल दे कि इसको मिनिमाइज फॉर्म में लिखिए, तो इसका मिनिमाइज फॉर्म बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, के मैप का इस्तेमाल करते हैं, तो के मैप का यूज़ करके हम उसको मिनिमाइज फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। विदाउट, इसको हम रिड्यूसिंग फॉर्म, ठीक है, रिड्यूसिंग फॉर्म भी बोलते हैं, रिड्यूसिंग फॉर्म। तो ये तो होगी रिड्यूसिंग फॉर्म, और विदाउट रिड्यूसिंग फॉर्म हमारे पास जो एक्सप्रेशन था जिसमें सारी की सारी टर्म थी बिना रिड्यूस किए, दैट काइंड ऑफ जो एक्सप्रेशन होगा उसको हम बोलेंगे कैनोनिकल फॉर्म। क्या बोलेंगे इसको,
कैनोनिकल फॉर्म आपको मिनिमाइज एक्सप्रेशन दे सकता है और कह सकता है कि इसको कैनोनिकल फॉर्म में लिखिए। इस किसके दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या तो आपको बोलेगा कि ये एक्सप्रेशन गिवन है और इसको मिनिमाइज कीजिए, ठीक है, या फिर आपको मिनिमाइज फॉर्म गिवन होंगी और उसको कैनोनिकल फॉर्म में लिखना होगा। कैनोनिकल फॉर्म में लिखना होगा मतलब उसको मिनिमाइज जो किया है वो मिनिमाइज फॉर्म आपको वहाँ से ख़त्म करनी होगी। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। थ्री वेरिएबल का इन्होंने बता रखा है, हमने बताया था, ठीक है, थ्री वेरिएबल के कॉरस्पॉन्डिंग बता रखा है कि जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग जो बाइनरी होगी वो यहाँ, वन की यहाँ, फिर टू की यहाँ, थ्री की यहाँ, फोर फाइव और सिक्स और सेवन, ठीक है, सभी के कॉरस्पॉन्डिंग बाइनरी इस तरह से देख के, और फिर आप यहाँ पे पेयर बनाएंगे और आउटसाइड भी ये पेयर बनता है, जैसे यहाँ से यहाँ का पेयर बना दोगे। आगे देखते हैं, अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको देखेंगे भाई। ठीक है, नेक्स्ट जो टर्म आती है हमारे पास वो आती है नंबर सिस्टम।